પાણી લાગે મને ખારો ખારો યમુના જીરો પાણી લાગે હેપી હોલી सो आज मैं आ गई हूँ ब्रिज टेम्पल आप लोगों को होली दिखाने और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है फूलों वाली होली होती है यहाँ पे बट आज किस तरीके का प्रोग्राम है मुझे नहीं पता है तो चलिए आपको भी अंदर लेके चलती हूँ और साथ में मिलके खेलते हैं कान्हा जी के साथ फूलों वाली होली चलिए मेरे साथ जल्दी से और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो वो अभी थोड़ा लेट है बट फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और हवा बहुत तेज चल रही है ठंडी ठंडी वैसे तो आपको धूप दिख रही होगी अच्छा वेदर है बट ठंड बहुत ज़्यादा है फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करते अंदर चलते हैं कान्हा जी के दर्शन करते हैं आ जाइए मेरे साथ आ जाइए काफी सारे लोग आए हैं क्योंकि जो होली है वो वेनसडे की है और आज है संडे तो यहाँ पे वीकडेज में तो हम होली नहीं सेलिब्रेट कर सकते ना तो इसीलिए हम लोग संडे को पहले ही होली मनाने आ गए हैं तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं तो अंदर चलने से पहले आप लोग पहले ना बाहर से देख लीजिए कितना खूबसूरत मंदिर है ये विराज टेम्पल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और यहाँ जूते वगैरह हमने उतार दिए हैं अपने हम लोग अंदर एंटर जैसे ही करेंगे ना सामने कृष्ण जी और राधा जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा इन्होंने वॉल पे बना रखी है तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और यहाँ अगर आपको डोनेशन भी करनी है कुछ भी अन्न अगर दान करना है तो वो भी आप कर सकते हैं और देखो कितना बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिखा है फोटोग्राफ और वीडियो अलाउड नहीं है बट हमने सोचा क्यों ना हम कृष्णा जी के दर्शन कर रहे हैं उनके साथ होली खेल रहे हैं तो आप लोगों को भी ना दर्शन कराने बनते ही हैं तो आ जाइए कर लीजिए कृष्णा जी के दर्शन और खेल लीजिए उनके साथ आप लोग भी फूलों वाली होली अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं लंगर ग्रहण करने और आरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला बहुत ज़्यादा शांति मिली और वीडियो वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं मैंने अभी आपको बताया नहीं वीडियो और फोटोग्राफ यहाँ नहीं खींची जा रही थी तो चलिए और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी टूर कराऊंगी और मैं कम बोलती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझे घूर रहे हैं तो अभी हम लोग आ गए हैं लंगर वाली लाइन में और बच्चे देखो अपनी बातें बातें करने में लगे हैं सभी लोग तसल्ली से खड़े हैं आधे लोग पीछे हैं अभी हम लोग उनका भी वेट कर रहे हैं और ये देखिए हमारा प्रसाद रेडी है लंगर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है बहुत ज़्यादा मीठा है ये और बच्चे आराम से खा पी रहे हैं सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ के अरे बहुत मीठा है बहुत ही मीठा तो लंगर हमारा हो चुका है अब हम लोग जा रहे हैं गिरिराज पर्वत के दर्शन करने और जैरी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है तो ये बच्चों के खेलने के लिए ना प्लेग्राउंड बनाया हुआ है और यहाँ पे खेल रहे हैं जाओ जाओ खेल लो वेदर आज बहुत अच्छा हुआ है जैरी कहाँ है जैरी तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है होटल्स क्योंकि बाहर से जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो लोग यहाँ पे स्टे वगैरह करते हैं कहीं से भी आए इंडिया से कहीं से भी मतलब तो वो लोग यहाँ पे स्टे वगैरह करते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सरोवर है यहाँ पे वेदर आपको दिख रहा होगा अच्छा है बट अच्छा नहीं है ठंडी हवा चल रही है बट ठीक है धूप निकली हुई है तो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं हस्बैंड वगैरह उधर पाते वाते कर रहे हैं तो चलिए दिखाती हूँ आपको तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो जो दिख रहा है ना आपको वो है लोटस बनाया हुआ है बहुत सुंदर पिंक कलर का तो आपको पास से दिखाती हूँ मैं और अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सूरज भी ढल गया है तो चलिए इस तरीके से ना बैठने वाले बेंचेस लगा रखे हैं आराम से यहाँ बैठो सरोवर सामने मंदिर सामने मतलब फुल यहाँ पे सुकून है बहुत ही आराम है और कितनी शांति है
जैसे कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक इनकी प्रॉपर्टी है, बट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो वाओ, कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत पीस महसूस हो रहा है, एकदम शांति है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ चिड़ियों की आवाजें हैं, चहकाने की, चहकाने नहीं होती, चिड़िया की बोल चहचहाने होती है, चिड़िया की चहचहाने की आवाजें आ रही हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो अब मैं आपको विश्राम घाट पे यमुना जी के दर्शन कराती हूँ। वैसे तो द्वार बंद हो चुके हैं, बट हम लोग दर्शन बाहर से ही करेंगे। गिरिराज पर्वत के भी दर्शन करवाती हूँ अगर वो खुले होंगे, क्योंकि द्वार इस टाइम बंद हो चुके हैं, आरती वगैरह हो चुकी है सब कुछ। तो अगर द्वार खुले होंगे तो गिरिराज पर्वत के आपको दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। और साथ में हम लोग थोड़े से कलर्स वगैरह लेके आए हैं, तो हम लोग शायद होली होली भी खेलेंगे यहाँ, क्योंकि फूलों वाली होली तो हमने खेल ली है, बट अभी हम लोग क्या खेलने वाले हैं, रंगों से। तो रंगों से तो हम होली ज़रूर खेलेंगे, बट उससे पहले आप ये जगह देख लीजिए, बहुत सुंदर है और वेदर भी अभी ठीक है थोड़ा सा, तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी सी रील वगैरह बना लें। तो अभी हम लोगों ने इंस्टाग्राम के लिए ना बहुत सारी रील्स बना ली हैं, आप लोग ना फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, ये नीचे आईडी आ रही है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से और गिरिराज पर्वत बंद हो चुका है, तो उसके दर्शन में आपको नहीं करा पाई, नेक्स्ट ईयर फिर करवाऊंगी आपको गिरिराज पर्वत के दर्शन। फिलहाल तो हमने विश्राम घाट भी देख लिया, सब चीज़ देख लिया, हम लोग थोड़े से कलर लेके आए हैं, गाड़ी में पड़े हैं, वो निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा शगन का होली खेलेंगे, शगन वाली होली, और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। खेल रहे हैं कुछ लोग, तो हम लोगों भी ना तो हम लोगों ने भी ना सोचा यही खेल लेती हूँ, और इतनी ज़्यादा हवा चल रही कि मेरा मुंह सूख गया है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और कलरफुल होली रही मेरी इस साल की भी। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नया कुछ लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो जोई, हैप्पी होली।